ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई, कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया पालन, 5 बस जब्त। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने और ओवरलोडिंग करने वाली बसों पर गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की। टीम ने गुना नाके के साथ हाईवे पर यात्री बसों की चेकिंग की। कई बसों में ना तो यात्री मास्क पहने हुए मिले और ना ही सीट के अनुपात में यात्री बैठे हुए थे। नियमों का उल्लंघन करने और सूबेदार रणवीर सिंह यादव ने 5 यात्री बसों पर कार्रवाई कर उन्हें जब्त किया। कोरोना गाइडलाइन के तहत कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह और SP राजेश सिंह चंदेल ने बस संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए थे। बसों में ओवरलोडिंग नहीं करने को कहा और सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए था। यही सब चेक करने गुरुवार को टीम सड़क पर उतरी और कार्यवाही की। बस संचालकों को निर्देशित किया कि वो बस में कुछ मास्क रखें ताकि अगर यात्री मास्क पहनकर नहीं आया है तो उसे मास्क उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन बसों में मास्क नहीं मिले और ना ही स्टाफ के हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर मिला। आज ट्रैफिक पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें पहले से ही बस वालों को निर्देश थे कि उनको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, ओवरलोडिंग नहीं भरना है, मास्क रखना है, सभी यात्री मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज। लेकिन चेकिंग के दौरान ऐसा पाया गया कि इनने कोरोना गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया, जिसमें 5 बसों को मेरे द्वारा जब्त कर थाना यादव लाया हूँ। अब कोरोना गाइडलाइन और प्लस ओवरलोडिंग और परमिट की शर्तों के उल्लंघन में कार्रवाई की जा रही है।